धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवहन बस के बारे में नई 700 बसें हर हाल में शामिल होंगी क्योंकि यह सरकार का एक नीतिगत फैसला है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हठधर्मिता पर अड़े। जब परिवहन कर्मियों की 25 में से 24 मांगे मान ली गई हैं तो क्या शेष बचा है। उन्होंने कहा कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल अलोकतांत्रिक है क्योंकि ना तो किसी परिवहन कर्मी को हटाया गया है और ना कोई कड़ी कार्रवाई हुई। वित्त मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि परिवहन बेड़े में क्योंकि एक बस बेड़े में डालने से 5 कर्मचारियों की बढ़ोतरी होती है और यदि 700 बसें परिवहन बेड़े में शामिल होंगी तो 3500 नए कर्मचारी को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 17 साल से सरकारी बस ही नहीं ली गई है और स्कीम के तहत किलोमीटर तौर पर बसें चलाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि परिवहन बेड़े में 700 बसें शामिल होने से अवैध वाहनों पर भी अंकुश लगेगा। इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर का जवाब देते हुए कहा कि यह संगठन का मामला है क्योंकि इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ही बताने के अधिकृत है। इनेलो प्रकरण का क्या है? क्या दुष्यंत जी भाजपा में आ रहे हैं? क्या स्थिति है? क्या आगे चुनाव पे क्या परिणाम पड़े? आजकल मैं भाजपा के द्वारा भेजा हुआ सरकार में सेक्रेटर का काम बराड़ा जी देख रहे हैं। उनके पास कोई दरखास्त आई होगी तो वो बताएं। कब तक आ जाएंगे सर? वो बसें जो है ये नहीं आ रहे। नाउ दिस इज अ पॉलिसी मैटर। एब्सोल्युटली the policy matter falls in the domain of the government. Yeah. Within the government also political executive और उसमें भी अलग से लेके जाएंगे तो लेजिस्लेचर की बात। We have a constitution, we are all working under the constitution. Judiciary का दायरा है, executive का दायरा है, legislature का दायरा है। एग्जीक्यूटिव में भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रोल स्पष्ट है कि यूनियन में किसी मेंबर की कोई अधिकारों का हनन हुआ क्या, कोई पे पेंशन का इश्यू है क्या, कोई छुट्टी का इश्यू है क्या, कोई उसको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसका कोई इश्यू है क्या, वो उस पर बात करने का उनका अधिकार है, जिम्मेदारी भी है। उससे आगे बढ़ करके ये तय करने का कि नहीं हम पॉलिसी हम डिसीजन करेंगे, नाउ दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। अब वो चीज आज सकम नहीं कर सकते। सवाल उसका वो पॉलिसी ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है, मान ली ये ठीक होती तो ये भी मान लेते, ये तो 24 भी तो माननी थी। फिर एफिडेविट्स है कोर्ट में कि जी हाँ हमें कोई एतराज नहीं होगा अगर ये इस पे जाए। तो अब जब जब ये देखा है कि ये नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब बात आ गई कि जी ये तो हो गया, मैंने लीगल पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रखा, अब व्यावहारिक पॉइंट क्या है कि वाई शुड वी ब्रिंग इन दिस प्राइवेट बसेस। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश के हर राज्य में इंक्लूडिंग दे हैव प्राइवेट बसेस, वाई नॉट इन हरियाणा। दिल्ली में 17 साल से कोई एक भी सरकारी बस नहीं खरीदी आज तक। डीटीसी कंप्लीटली रनिंग ऑन प्राइवेट बसेस। स्कीम हो सकती है पर किलोमीटर की स्कीम, कुछ हायरिंग की स्कीम अलग हो सकती है। दिल्ली वाली स्कीम हमने पर किलोमीटर वाली शायद मोटा मोटा मुझे इतना डिटेल नहीं पता और वो हायर की होगी। तो ऐसे में फिर है व्यावहारिकता जो बात कर रहा हूँ। 600-700 करोड़ का लॉस है। किसका लॉस है? सरकार का लॉस नहीं होता। नमस्ते जी, नमस्ते कर दीजिए, आओ कुर्सी करवाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सरकार को क्या है? सरकार मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव जी, खजाना मतलब पब्लिक का पैसा, आना भी पब्लिक से है, जाना भी पब्लिक में है। और उसमें मैं इनएफिशिएंसीज को हम कैसे अलाउ करें, कंटिन्यू करती रहे, इतने सालों से मोनेटाइजेशन। एब्सोल्युटली इट इज अ पीपीपी मॉडल। जैसा कि हमको जैसा संज्ञान में आई है ये बात, इट्स अ पीपीपी मॉडल वेयर इट इज बीन रन बाय द गवर्नमेंट और जो सारी बसेस हैं वो आप हायर कर रहे हैं ऑन ए प्राइस। आज की रिक्वायरमेंट है 15,000 बसें जी।
दर्जी हमारे पैसेंजर्स हैं, हमारे पास 4,100 बस है और ये बसें हम इस स्कीम से हम और बढ़ाएं। एक बस पे एवरेज एम्प्लॉय जो बढ़ता है 5 नंबर बढ़ता है, 2 शिफ्ट चलेंगी, 2 ड्राइवर 2 कंडक्टर पर बस पे महीने में 1 आदमी रिपेयर के एवरेज आएंगे। ये 700 बसें आएंगे तो 3500 एम्प्लॉय सरकार के बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉय हित की बात है कि एम्प्लॉय विरोध की बात है। मान लीजिए 15,000 कैपेसिटी है और हम 10,000 बसों तक ले जाते हैं चीजों को, तो पब्लिक कन्वीनियंस बढ़ेगी, ज्यादा बस आएगा तो कुछ और ज्यादा प्राइसेस में भी रिडक्शन आ जाएगी आगे, वॉल्यूम बढ़ेगी। फिर ये जो इलीगल व्हीकल्स घूमते हैं इनकी कमी आएगी। मतलब मैं आई गॉट ए पॉइंट।